महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया गया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक मंगेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि यह प्रदेश की योगी सरकार की योजना है कि सभी छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिले और हर छात्र आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा फाइनल ईयर के बीकॉम बीएससी के विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन वितरण किया जा रहा है, जिस पर मोबाइल फ़ोन पाकर सभी विद्यार्थी प्रसन्न हैं और सभी विद्यार्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं, जिसमें कुल 557 विद्यार्थी को स्मार्टफोन वितरण हो रहा है। इस अवसर पर महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्मार्टफोन टैबलेट पाए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आधुनिकीकरण से शिक्षा प्रबोध योजना अपनी एक अमित पहचान बना रही है। इसी विभागों के उपस्थित शिक्षकगण से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए और सूचना तभी आपके पास पूरी तरह सही मायनों में पहुंच सकती है जबकि आपके पास उस सूचना को प्राप्त करने का उत्तम साधन हो। मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्यरत है, उस सरकार का यह निर्णय है कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट के हमारे बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन और जो टेक्निकल या पीजी के स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट की कार्यक्रम किया है। आप पब्लिक गुप्ता, आप कॉमर्स में आपके पास भी अभी पहले से स्मार्टफोन था तो सरकार को नहीं बांटना चाहिए था, अपना जो पहला फोन है उसको परिवार में किसी और को दे देना और उसके सिम को इसमें लगा लेना। बीएससी के आप स्टूडेंट हैं, पूजा खरवाल, आपके पास ही पहले से है स्मार्टफोन। पहले से था स्मार्टफोन तो आप उसको किसको देंगे? भाई को।
सर हमें बहुत अच्छा लगा, हम योगी सरकार से बहुत खुश है कि हमें स्मार्टफोन मिला। कैसा लग रहा था हमको बहुत अच्छा लगा कि हमें स्मार्टफोन मिला, इससे हम पढ़ाई कर सकेंगे आगे की पढ़ाई। कितना लाभ होगा इससे? बहुत लाभ है, अब फोन है तो इसमें नेट डलवा के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही सरकार अच्छे अच्छे काम करे बच्चों के लिए और क्या। आई एम अमरीन बानू। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन आज पूरा हो गया है। इसका हम पढ़ाई में ही अपने इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग जितनी आजकल की बुक्स कॉस्टली हो गई हैं और हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज अ PDF, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल है। बिल्कुल ऑब्वियसली थैंक यू योगी सर कि उन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग को ये स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच। सैयद अलीशा। कैसा लग रहा है और किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? जी मुझे अच्छा लग रहा है, स्मार्टफोन एक मिला है, जैसे कि मैं इसका यूज़ इस तरह करूँगी जिस तरह की मतलब कि एक तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, इसके बाद मुझे कि मैं जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है तो मैं इसके बाद मैं उस तैयारी में कि मतलब कि इसके बाद जहाँ भी जाऊँगी मतलब कि इसको लेके जाऊँगी और उससे अच्छी सी प्रिपरेशन करूँगी कि उससे नॉलेज अच्छी बढ़े, मतलब कि YouTube से कि कहीं भी सोर्स से अनअकैडमी हो या कोई भी ज्वाइन करके गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो भी सुविधा देती है उससे मतलब कि ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करूँगी। मैं बहुत दिन से तैयारी करना चाहती हूँ, अभी भी तैयारी करती हूँ मतलब कि मतलब बस। हाँ सरकार बहुत कुछ कर रहे हैं मतलब कि मतलब सरकार अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब कि ये सब तो देखे तो उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चों को बेनिफिट भी मिल रहा है कि बच्चे इससे पढ़ेंगे, बच्चे YouTube से पढ़ेंगे, बच्चे अपना चाहें तो कई माध्यम से निकाल के पढ़ सकते हैं, बच्चे कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब आर्टिकल लिख सकते हैं, मेंस में अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं लिखने पे, अपना बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हमारे युवा वर्ग को यह हम स्मार्टफोन वितरित करें सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए, जो BCOM थर्ड ईयर और BSc के छात्र हैं, BSc होम साइंस के छात्र हैं, उनके लिए भेजा गया और ये बच्चे इसको आज प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हैं और अपनी तरफ से वो धन्यवाद भी देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने युवा वर्ग के इस ज़रूरत को महसूस किया और उनको यह स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है। आज कल और परसों 3 दिनों में हमारे महाविद्यालय में 557 BSc और BCOM थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं को यह स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा।